नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। अब आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, और बात करता भी है तो उसका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहता है, वो उस तरह से आपसे बात नहीं करता है जिस तरह से वो पहले बात किया करता था। मतलब कि वो अपना इंटरेस्ट बहुत ही कम दिखा रहा है आपसे बात करने में, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हो। ये सोच सोच के कि पहले इंसान हमसे कितने अच्छे से बात करता था, मेरी केयर करता था, मुझे पूछता था मैंने खाना खाया कि नहीं, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, ये सारी चीज़ें सामने वाला इंसान एक समय किया करता था। लेकिन अब इस सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया रिलेशनशिप में जो आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट एकदम ख़त्म हो गया है, आपका पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको मैं तीन तरीके बताऊंगा जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, रिलेशनशिप एक समय काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। जब रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तो सारे का रिलेशनशिप बिल्कुल ही अच्छा चलता है, लेकिन एक समय के बाद पार्टनर की इग्नोरेंस शुरू हो जाती है। वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखाता है जिस तरह से वो रिलेशनशिप के शुरुआत में दिखा रहा होता है। यदि उसका मन होता है आपसे बात करने के लिए तो वो कॉल करता है आपको, और थोड़ी देर बात होती है फिर वो या तो एक दिन या तो दो दिन, तीन दिन या कई दिनों तक फिर आपको कॉल करना, मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझता। और यदि आप अपने साइड से कॉल मैसेज करते हो तो सामने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस तरह से एक माइंड डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है जिस वजह से आप एक एक सेकेंड अब बस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो कि ऐसा क्या हो गया और क्या करें जो सब कुछ ठीक हो, सब कुछ पहले जैसा हो। और सामने वाले को ये सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये जब आप सोचते हो कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस वजह से आप और ज़्यादा परेशान होने लगते हो। कभी कभी सामने वाले के सामने आप रोने लगते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हो, उसे समझाने की कोशिश करते हो हर तरीके से, लेकिन सामने वाला आपकी इन बिहेवियर और ये जो आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो आप एफर्ट डाल रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो, इस तरीके से ये आप जो कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो और ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और वो आपसे बात करना बंद कर देता है। आप अगर यदि फ़ोन करते हो तो वो उठाता भी नहीं है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या करें कि रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। आज मैं तीन तरीके बताऊंगा। अगर यदि आप इस तीन तरीकों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। पहला तरीका, आप अपने दिमाग से उस इंसान को निकाल दीजिए। आप अपने दिमाग से जब तक उस इंसान को नहीं निकालोगे, आपके दिमाग में एंग्जाइटी आता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे अपने लाइफ से निकाल दो, आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, या तो अपने करियर को लेके, या तो एजुकेशन को लेके, और नहीं तो आप कुछ लर्निंग कीजिए, कोई लर्निंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बट किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि
आप उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल सकते हो और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि वो इंसान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मुझे टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हो सकता है कभी आपके दिमाग में आए, लेकिन यदि आप इंगेज रहते हो किसी दूसरे काम में तो आपको बहुत कम याद आएगी वो इंसान। दूसरा तरीका, आप खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, खुद को बेस्ट बनाने पे ध्यान दीजिए। उस इंसान के लिए नहीं कि मैं उस इंसान के लिए अपने आप को बेस्ट बनाऊं, आप खुद के लिए बेस्ट बनाइए। अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए कि मेरा लुक अच्छा हो, ताकि मैं खुद को देखूं तो मैं खुद को पसंद कर सकूं। तो आप खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, या तो जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ वैसा कीजिए। अपने पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप खुद को प्यार कर सको। जो इंसान खुद से प्यार करता है उसे दुनिया प्यार करती है। ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपका पार्टनर आपके पीछे आने से मजबूर हो जाएगा। तीसरा तरीका ये कि यदि आप उसे दिन में 3-4 बार कॉल करते थे तो आप एक बार कॉल करो, दिन में मात्र एक बार, ठीक है। और यदि आपने आज फ़ोन किया और यदि फ़ोन नहीं उठाया, उठाया या नहीं उठाया, आपका कॉल मात्र एक बार जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पे खुद पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने पहला दिन फ़ोन किया, आज से शुरू कर दीजिए। पहला दिन आपने एक बार फ़ोन किया, यदि उठाया, बात हुई तो अच्छी बात है, और अगर यदि बात होती है तो कॉन्वर्सेशन को आप पहले ख़त्म कीजिए। बात हुई, थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद आप बोलो ठीक है, रखते हैं, कुछ काम करना है। पहला दिन आप ऐसा करो। दूसरा दिन यानी कि आप कल कॉल मत करो, उसके अगले दिन आप कॉल मत करो, फिर उसके अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ के आप कॉल करो, ठीक है। उस दिन देखिए, अगर यदि बात होती है तो आप इसी तरीके से रिपीट कीजिए जो पहला दिन आप किए, बात किए हैं, आप बात हुई, आप अपने साइड से कन्वर्सेशन को एंड करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बोले, एक दिन गैप लिए, फिर आपने परसों कॉल किया, परसों के बाद फिर आप 2 दिन का गैप लीजिए। इस तरीके से आप एक एक दिन बढ़ाते जाइए, 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद। इस तरीके से आपका गैप, कॉल करने वाला गैप बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप उससे कॉल करना बंद कीजिएगा, धीरे धीरे उसका कॉल आना शुरू करेगा। एक बहुत बड़ी रियलिटी है और एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जो कि 100% वर्क करती है, ठीक है। आप कॉलिंग में गैप लाइए, बात करने में गैप लाइए, एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन। इस तरीके से जैसे आप धीरे धीरे आप उससे दूर होगे, वो आपके पास आना शुरू कर देगा। तो ये 3 तरीके मैंने जो आपको बताए, ये तीनों पे आप काम कीजिए, रिलेशनशिप आपका बिल्कुल पहले जैसा होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करने की टेक्निक को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत है। यदि इन 3 तरीकों को आप अच्छे से फॉलो किए तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसे ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमो शिवाय।